हे गाइस, आज है 20 नवंबर और एक बार फिर से क्रेज फॉर टीवी लौट आया है टीवी की दुनिया की सात छोटी बड़ी खबरें लेकर। तो चलिए जल्दी से आपको बताते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज। बिग बॉस 17 में नावेद का हुआ शो से शॉकिंग एलिमिनेशन, तो डेंजर जोन में जिगना वोरा। द खबर के मुताबिक शो से नावेद का सफर खत्म हो गया है, वो एलिमिनेट हो गए हैं। वही जिगना को बोला गया है कि वो डेंजर जोन में है, ऐसे में उनको अपना गेम और थोड़ा अच्छा करने की जरूरत है। नावेद के जाने के दौरान अभिषेक, नील, अंकिता सभी फूट फूट कर रोते हैं। जिगना भी कहती हैं कि वो जाना चाहती हैं। वैसे बता दें कि हाल ही में एक खबर आई थी कि घर से 3-4 लोग इवेक्ट होंगे और कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होंगी। टीवी कतर का दूसरी टॉप न्यूज। चांद जलने लगा के सेट पर कनिका मान को लगी चोट। टीवी एक्ट्रेस कनिका मान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने पैर पे टेप लपेटे हुए दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि चोट लगने की वजह से उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन जब शूटिंग के लिए जाने लगी तो उसे हटाने में वहां मौजूद एक शख्स ने उनकी मदद की, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख ही सकते हैं। टीवी कतर का तीसरी टॉप न्यूज। बिग बॉस OTT 2 के बाद साथ दिखेंगे मनीषा रानी, अभिषेक मल्हान। बिग बॉस OTT 2 में मनीषा रानी और अभिषेक मल्हान को एक साथ काफी पसंद किया गया। वहीं अब मनीषा और अभिषेक एक म्यूजिक वीडियो में नजर आ सकते हैं, जिसका हिंट उन्होंने लेटेस्ट फोटोज के जरिए दिया है। टीवी कतर का चौथी टॉप न्यूज। आशिका गुराटिया ने पहली बार बेटे संग शेयर किया क्यूट वीडियो। आशिका गुराटिया ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे संग पहला वीडियो शेयर किया है, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज देखने को मिल रही हैं। इस वीडियो में मौजूद फोटोज में देखा जा सकता है कि आशिका ने अपने बेटे को अपनी बाहों में लिया हुआ है और वो खुद सेल्फी ले रही हैं। एक फोटो में एक्ट्रेस की आंखें कैमरे की ओर हैं, तो दूसरी तस्वीर में वो अपने बेटे की ओर ही देख रही हैं। इस वीडियो में आगे कुछ छोटे छोटे वीडियो क्लिप लगाए हुए हैं। इस पूरे वीडियो में आशिका अपने बेटे का चेहरा छिपा कर रखती है। टीवी कतर का पांचवी टॉप न्यूज। चारू असोपा को सिंगल मदर होने पर नहीं मिल रहा कोई घर। एक्ट्रेस चारू असोपा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उन्हें सिंगल मदर होने की वजह से कोई भी घर नहीं दे रहा। इस पूरे वीडियो में एक्ट्रेस अपने आंसू पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में भगवान कहाँ है तू गाना चल रहा है। टीवी कतर का छठी टॉप न्यूज। ऑस्ट्रेलिया पर निकला हिना खान का गुस्सा। एक्ट्रेस हिना खान भी मैच में दिलचस्पी रखती हैं। हिना ट्विटर पर लगातार मैच की हर टर्निंग पॉइंट पर अपनी राय रख रही हैं। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद हिना खान ने एक हार्ट इमोजी पोस्ट की थी। इतना ही नहीं, हिना खान ने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के खेल पर अपनी राय भी रखी। एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, यार ये ऑस्ट्रेलिया के 11 नहीं बल्कि 15 प्लेयर हैं फील्ड पर, कसम से हर जगह से बॉल रोक रहे हैं। इसके साथ ही हिना ने गुस्से वाली इमोजी भी बनाई। टीवी कतर का सातवीं रात की टॉप न्यूज। सौभाग्यवती भव 2 के सेट पर करणवीर बोहरा को लगी चोट। पहली चक्कर की खबर के मुताबिक करणवीर की पहले घुटनों की सर्जरी हुई थी और हाल ही में शूटिंग के दौरान उसी घुटने में उन्हें दोबारा चोट लग गई। घुटने के साथ कोहनी और हाथ में भी कुछ चोटें लगी हैं। करण को चोट लगने की वजह से शो की शूटिंग को तुरंत रोका गया और करण को पास की मेडिकल फैसिलिटी के पास ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। एक्टर ने चोट को लेकर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है।